एकदम दानेदार बेसन लड्डू बनाने वाली हूँ और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि हर बार आपके लड्डू है ना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इस दिवाली है ना आप जरूर से बनाइए और मेहमानों को खिलाइए, मेहमान आपकी तारीफ किए बिना रहेंगे नहीं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मृणाल्स किचन में। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन, वजन से देखेंगे तो ये 500 ग्राम है और कप से यहाँ नाप रही हूँ तो ये 5 कप के करीब है। और ये एकदम बारीक वाली बेसन है जो घर में इजीली अवेलेबल रहती है। तो इसी बेसन को ना हम दानेदार बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून जितना घी, इससे ना जो बेसन है वो बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होगा। और ये पहला टिप है। और इसके साथ ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून जितना ठंडा दूध, जो फ्रिज में रखते हैं ना वही दूध यहाँ इस पर ऐड करना है। इसी तरीके से ना रागी के लड्डू भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूध, बेसन और घी को ना अच्छे से आपको मसलते हुए हाथों से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने में ना आपको 5 से 7 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन इस स्टेप से ना जो बेसन है एकदम दानेदार बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों हथेलियों के बीच में रखे थोड़ा थोड़ा बेसन इस तरह से ना उसे रब करते जाए। और ये ट्रेडिशनल चीज़ें होती ना उसे बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बनने के बाद ना रिजल्ट एकदम परफेक्ट आता है। देखिए बेसन मैंने अच्छे से घी और दूध में ना मिक्स कर लिया है और अब टेक्सचर इसका देख लीजिए, थोड़ा सा दाना दाना हो गया है। तो अभी इसे ना साइड में हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक के लिए हम इधर बनाते हैं बूरा या फिर तगार, जो कि बेसन लड्डू में ना मस्त है। और ये दूसरा टिप है। यहाँ पर मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है और ये बनाते समय ना आप नॉनस्टिक वाला ही पैन का यूज़ करें। यहाँ पर 2 कप शुगर ऐड करेंगे, साथ ही यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और दोनों को ना मिक्स करते जाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से पानी में मिक्स ना हो जाए। फ्लेम को यहाँ पर हाई ही रखिएगा और जैसे ही वाइट होने लगेगा ना तो आप इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून घी, जिससे कि ये तगार है ना एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आपको मिक्स करने में ना बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और इसमें ना लम्स नहीं होंगे। इसके लिए अब देखिए जैसे जैसे इसमें बहुत ज़्यादा झाग आने लगे ना, चीनी वाइट लगने लगे देखने में, तो आप क्या करें फ्लेम को ऑफ कर दें और कंटिन्यूसली ना इसे चलाते जाए क्या होगा एकदम मतलब ना ये फ्लफी हो जाएगा, फूलने लगेगा। फटाफट इसे आप चलाते रहना है, बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़ना नहीं है। अगर आपको इसे मिक्स करने में थोड़ी परेशानी हो रही है ना तो आप क्या करें यहाँ पर ना पोटैटो मैशर ले लें और इसे फटाफट से ना मिक्स करते जाए। इससे ना ये बहुत ही अच्छे से एक समान बनकर तैयार होगा, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं पड़ेगी। और देखिए कितना तगार ना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, एकदम बढ़िया परफेक्ट। इसे बनाने में हार्डली 5 से 7 मिनट लग जाएंगे और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही चीनी वाइट होने लगे ना आप तुरंत ही फ्लेम को ऑफ कर दे, कंटिन्यूसली इसे चलाते जाए। ये देखिए तगार बन गया है, उसे रखते हैं साइड में। और देखिए जो बेसन है ना अब क्या करना है, इसे छानना है। मतलब इसमें जो भी बेसन के मोटी गुठली लम्स वगैरह होंगे ना वो अच्छे से एक समान हो जाएंगे और इसका टेक्सचर ना एकदम दानेदार सूजी की तरह हो जाएगा। लेकिन इसे छानने के लिए ना आप मोटी छन्नी का इस्तेमाल करें, बारीक छन्नी बिल्कुल भी ना लें। लेकिन हाँ, इसे ज़रूर से छानिएगा, बिना छाले मत बनाइएगा, नहीं तो क्या होगा मोटे बारीक हो जाएंगे, लड्डू एक समान नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से मतलब दानेदार बेसन हो ना, तो जो हल्की सी मोटी आती है वो बेसन हो ना, तो आप ये सारी स्टेप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट ही घी डाल के उसके बाद ना आप बेसन को भूनना स्टार्ट करें। लेकिन देखिए हमने घर पर ही यहाँ पर एकदम दानेदार बेसन तैयार कर लिया है। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे 1 कप घी। घी हल्का सा गर्म हो जाए ना तो आप अपने दानेदार बेसन को ना यहाँ पर ऐड कर देंगे। फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और कंटिन्यूसली ना इसे चलाते हुए भूनना है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको फ्लेम को मीडियम हाई पर नहीं रखना है, एकदम लो फ्लेम पर ना आपको बेसन को भूनना है। अगर आप यहाँ पर तेज़ आंच पर भूनेंगे ना बेसन को, तो ये बेसन ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, लेकिन जब आप लड्डू खाएंगे ना तो उससे कच्चा सा टेस्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ना बेसन को एकदम धीमी आंच पर भूनना है जब तक कि बेसन में एक सौंधी सी खुशबू ना आने लगे।
और इसका कलर ना एकदम लाइट गोल्डन कलर ना हो, तब तक बेसन को यहाँ पर भूनना है। आपको टोटल 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन हाँ, इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए भूने। अगर आपको यहाँ पर कम घी लगे ना, तो यहाँ पर आप 1/4 कप यहाँ पर फिर से ऐड कर सकते हैं। टोटल ग्राम से बोलो ना, तो 250 ग्राम के करीब आपको यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है। अब देखिए बेसन का कलर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। इससे जो लड्डू है ना, और भी अच्छे दानेदार बनकर तैयार होंगे। और ये ना तीसरा टिप था दानेदार लड्डू बनाने का। जो भी पानी का छींटा है, आप 2 से 3 या 3 से 4 बार यहाँ पर मार सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भी आपको नहीं डालना है, बस हल्का हल्का छिड़कना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, दूसरे बड़े परात में इसे निकालेंगे। ये स्टेप ना आपको फटाफट से एकदम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अभी बेसन काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर आप इसे ऐसे ही इकट्ठा छोड़ देंगे ना, तो बेसन कहीं से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, और जैसे ही आप बेसन परात में ट्रांसफ़र कर लेना, तो आप थोड़ी देर ना इसे चलाते रहे, ताकि बेसन ना यहाँ पर हल्का सा ठंडा हो जाए। कोई कोई क्या करता है कि गरम बेसन में ही तगार या फिर बूरा ऐड कर देते हैं, उससे जो लड्डू है ना एकदम मेल्ट होने लगते हैं। तो आपको ना यहाँ पर बेसन को पहले ठंडा कर लेना है, लेकिन पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा वार्म गरम होना चाहिए। और ये इसे छोड़े हुए ना मुझे 4 से 5 मिनट हो गए थे, और ये थोड़ा हल्का हल्का ठंडा हो गया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें तगार ऐड कर देंगे। सारा का सारा यही ऐड करना है, जितना हमने यहाँ पर बनाया है ना तगार, वो सारा यही पर ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरी इलायची का पाउडर, और यहाँ पर ना मैंने नटमेग थोड़ा सा लिया था, वो भी यहाँ पर क्रश करके डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर ना एकदम प्लेन बनाने वाली हूँ। आप चाहो ना तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की कतरन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ना बेसन के ट्रेडिशनली लड्डू बनाए जाते हैं, वैसे ही मैं बना रही हूँ। अब इसे आप तुरंत ही फटाफट से मिक्स करते जाए। अभी ना ये मिक्सचर हल्का हल्का गर्म है, तो अब क्या करें, तुरंत ही इसके अपने मनपसंद साइज के लड्डू बनाना स्टार्ट करते। तो यहाँ पर ना मैंने एक मेजरमेंट के लिए कप लिया है, तो मतलब इसी से सारे ना एक समान मेरे लड्डू तैयार हो जाएंगे। जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए ना, आप दोनों हथेलियों के बीच में थोड़ा थोड़ा मिश्रण रखें और दबाते हुए यहाँ पर लड्डू बनाएं। तो यहाँ पर ना मैंने ऊपर से एक किशमिश लगा दी है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर मेरे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप मेजरमेंट का ध्यान रखें, आप एक समान बनाना चाहते हैं तो कोई भी एक मेजरमेंट ले, उससे आप एक समान सारे लड्डू तैयार कर सकते हैं। मतलब एक तो पहले बात, आप बेसन में अच्छे से घी और दूध को अच्छे से मिक्स कर ले। बेसन को आपको लो पर भूनना है, बाद आपको थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करना है, और ना यहाँ पर बेसन कम भूनना है ना ज़्यादा। आई होप सारा आपको मतलब जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो क्लियर हो गए हैं। एक हाथ से यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ, देखिए कितने आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर रखें, 15 से 20 दिन तक ना आप इसे लड्डुओं को आराम से खा सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर मैंने थोड़े से किशमिश और पिस्ता की कतरन रख दी है, ताकि ये लड्डू और भी ज़्यादा बढ़िया लगे। वैसे बेसन के लड्डू में ना कुछ भी नहीं होता है, एकदम प्लेन लड्डू होते हैं। और दिवाली आ रही है, तो आप इन शुद्ध घी के लड्डू घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इन बेसन के लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई होगी ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।